Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। स्वागत है आपका मैथ्स पावर के अंदर। और आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट एसिड्स, ठीक है। एसिड्स एंड बेस चैप्टर से आज हम एसिड टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं कि एसिड क्या सब्सटेंस होते हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज, और ये कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या नहीं। तो एसिड कौन सा सब्सटेंस है, हम उसके बारे में बताएंगे। एसिड की डेफिनेशन क्या है? तो एसिड कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है विच हैज अ टेंडेंसी टू फर्निश एच पॉजिटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर डाला जाए और उसकी टेंडेंसी हो एच पॉजिटिव आयन देना, ठीक है, वाटर में उतरने के बाद वो आयनाइज हो जाए, डिसोशिएट्स हो जाए, यानी कि अपनी जो बॉन्ड है उसे तोड़कर एच पॉजिटिव आयन्स हमें उस सॉल्यूशन में छोड़े, तो वो होते हैं आपके एसिड सब्सटेंस, ठीक है। एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन है। एसिड की डेफिनेशन ये भी है कि जो आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करे वो भी एसिड है। तो हाँ, अब कन्वर्जन की बात है तो हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस बेस। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में कुछ ऐसा चेंज करें, कोई भी तरीके का चेंज दें जिससे पता चल सके कि वो एसिड है या बेस है। अभी आप और समझ में आएगा आपको। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स हैं आपका। सबसे पहले जैसे कि लिटमस है, ठीक है, लिटमस। फिर आपका है मिथाइल ऑरेंज है ना। एक है आपका फिनोप्सिलीन है, स्पेलिंग देख लेना भैया, फिनोप्सिलीन, ठीक है। एक है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक है आपका पीएच स्केल, ठीक है, ये है आपके। और एक और है, हाँ सॉरी, कैबेज एक्सट्रैक्ट। यहां ले लेते हैं एसिड, ये सब कि ये सब्सटेंस एसिड के साथ कैसा बिहेव करेंगे, और ले लेते हैं बेस, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एसिड अगर कोई याद करना है तो एसिड हमेशा, एसिड खतरे का घंटा होता है। खतरे का सिंबल को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको एसिड के लिए रेड याद रखना है, ठीक है। अब जो आपका लिटमस है ये करता है क्या, लिटमस क्या, लिटमस एक वो होता है पर्पल डाई होती है जो लाइकेन का एक पेड़ होता है उससे ऑब्टेन की जाती है आपका लिटमस। तो लिटमस पर्पल कलर की डाई होती है। अगर आप किसी भी लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालोगे, ब्लू लिटमस को, तो वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप क्या कहते हैं रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो वो ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी एसिड में डालने, एसिड मिथाइल ऑरेंज में डालने पर क्या होता है, या मिथाइल ऑरेंज आप एसिड में डालोगे तो इसका कलर जो है रेड में चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिकेटर्स अपने आप में कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं, क्या वो स्मेल का चेंज हो, चाहे वो कलर का चेंज हो, जिससे हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब्सटेंस जो आप जिसमें मैं डाला हूँ वो क्या एसिड है या बेस है, ठीक है। फिनोप्सिलीन एसिड में कलरलेस रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। वहीं अगर आप उसे बेस में डाल दो तो वो पिंक कलर का हो जाता है। और मैं मिथाइल ऑरेंज का बताना भूल गया, मिथाइल ऑरेंज एसिड में तो रेड हो जाएगा और बेस के अंदर वो हो जाएगा येलो, ठीक है, येलो हो जाएगा। अब कुछ होते हैं आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है उसके बारे में जानते हैं, पहले हम थोड़ा उसके आगे चलते हैं, पहले पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल सबको पता है, ठीक है, जितने भी एसिड हैं उनका जो पीएच स्केल होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। वहीं जितने भी बेस हैं उनका जो पीएच स्केल होगा वो 7 से ज्यादा होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, बस 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जितना ये देखो कम होगा ना, 7 से जितना कम होगा, यानी कि 6 है
या 5 है, तो जितना कम होगा उतना ही वो एसिडिक उसका ज्यादा होगा, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि 5 है और 4 है, तो जो आपके जिसका पेज स्केल 4 होगा ना वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे इसकी बात, कैबेज एक्सट्रैक्ट, कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है रेड कलर का, ठीक है, एसिड में, और वो बेस में डालने पर हो जाता है ग्रीन कलर का, ठीक है, कलर चेंज दे रहा है अपना। फिर आपका पीएच, इसकी यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर याद करने के लिए ना आपको ये याद करना पड़ेगा, VIBGYOR, विबग्योर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर को चेंज, कलर में दिखाता है, वेरिएंस दिखाता है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर किसी सब्सटेंस में जाने पर ग्रीन हो जाए, इसका मतलब है, ये देखो आप ध्यान से देखो, ये बीच में है, ये हो जाएगा न्यूट्रल, वो सब्सटेंस यानी कि न्यूट्रल है, ना तो वैसे लिखे ना वो बेसिक है, ठीक है, वो न्यूट्रल है। जैसे कि पीएच स्केल में आपका अगर किसी का पीएच 7 होगा तो वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। ऐसे अगर आप देखो, अगर आप इधर की तरफ जाओगे, येलो ऑरेंज रेड, यदि कलर उसका येलो हो या ऑरेंज हो या रेड हो, रेड रेड तो क्या होगा, ऐसे देखो। वहीं अगर आप इधर की तरफ जाओ, यानी कि अगर उसका कलर ब्लू होगा, इंडिगो होगा या वॉयलेट होगा, तो वो बेस होने वाला, ठीक है, होने वाला है क्या, बेस। तो अब हमने पता तो कर लिया कि भाई ये एसिड है क्या, और एसिड पता कैसे चलता, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है ना, इसकी पता कर लिया कि पता कैसे चलेगा कि भाई ये एसिडिक एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है ये सब्सटेंस, हमने उसको नहीं पता कर लिया। कितने पता चलता है वो, ये हैं कुछ आपके इंडिकेटर्स, कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं, ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू स्मेल, यानी कि जो अपने स्मेल में चेंज लाते हैं, स्मेल से हमें पता चलता है कि वो आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड की कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, एसिड, पहली बात तो ये कि वो आपके ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस में, ठीक है, पहली बात यह मैं आपको भी बताया। दूसरा, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे कंडक्ट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एसिड कंपाउंड, कोई भी एसिडिक कंपाउंड अगर वाटर में डाला जाएगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा, डिसोशिएट्स हो जाएगा एच पॉजिटिव आयन में और उसका जो दूसरा वाला यानी कि प्लस माइनस, तो सीधी सी बात है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी तो इसी से फ्लो होती है, प्लस माइनस चार्ज से, तो ये जाके डिसोशिएट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और एक और बात है कि एसिड जितने भी हैं आपके, वो सारे टेस्ट में एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, ठीक है, ऐसे कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं एसिड्स, ठीक है ना। चलिए, हमने एसिड की थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं एसिड होते कितने तरीके के। तो एसिड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड, और एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। अब एक बात और, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे एसिड्स कैसे हैं, वीक एसिड्स होते हैं, कैसे एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जिस किसी भी जो भी एसिड वॉटर में उतरने पर ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करेगा, यानी कि जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वही एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सपोज एक एसिड है जो आपके वाटर सॉल्यूशन के अंदर उतरने पर H प्लस और H प्लस दो उसने हाइड्रोजन के आयन दिए, वहीं दूसरा एसिड है एसिड टू, उसने क्या करा, उसने दिए
उसने 5 हाइड्रोजन के आयन दिए। तो आप क्या कहोगे कि ये वाला जो एसिड है, ये एसिड तो है पर ये वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और ये कैसा एसिड है? ये एसिड है हमारा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने हमें कंपैरेटिवली ज्यादा हाइड्रोजन आयन दिए। यानी कि ये कैसा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितने भी हमारे, मैं बात कर रहा था ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स हैं, और जितने भी हैं इनऑर्गेनिक एसिड वो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड का एग्जांपल जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, विनेगर बोलते हैं, विनेगर है ना, जो चाउमीन वगैरह में बहुत ज्यादा पड़ता है। अब आप खुद सोचो यार, चाउमीन के अंदर उसे डाल रहे हैं हम, उसे खा रहे हैं ऐसे एसिड को, तो ऐसा एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये सच चीज, मतलब वीक ही होगा, जब तो हम खा पा रहे हैं, नहीं तो हमारा मुंह चल जाएगा उसे खाने से। यानी कि ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है। वहीं दूसरी ओर हमारे सिलेबस में हमें केवल 3 दिए हैं। एक तो दिया है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक दिया है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, और एक दिया है हमें नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। और एक है कार्बोनिक एसिड, HCO3। ये हमारे एसिड है। अब ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड्स कहाँ से ऑप्टेन होंगे? तीन दिन बाद, ये मिनरल एसिड्स हैं, यानी कि ये जो है अर्थ से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये इन्हें खोदा जाता है तब ये, क्योंकि इनमें मिनरल, आपको समझ, मिनरल क्या होते हैं? जो हम अर्थ की क्रस्ट से डिग करते हैं, खोदते हैं, तो ये एसिड वही हैं जो अर्थ की क्रस्ट से। वहीं ये जो एसिड्स है ना, ये और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक लिविंग। अब इसके अंदर एक आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये है तो मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड है ये, लेकिन इट इज अ वीक एसिड। ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। जबकि सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इकलौता ये एक एक्सेप्शन है, ये है, ये वीक एसिड है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। अब हम सोच रहे हैं कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? देखने पर कैसा पता चलेगा कि हमने कंपाउंड देखा, हमने कह दिया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? इसका सिंपल सा फंडा ये है, जिस किसी भी एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, वो आपका वीक एसिड है। अब आप ध्यान से देखो, CH3COOH कार्बन प्रेजेंट है, HCO3 कार्बन प्रेजेंट है, HCl में कार्बन प्रेजेंट है नहीं, H2SO4 में कार्बन प्रेजेंट है नहीं, या फिर आपका HNO3 में कार्बन प्रेजेंट है नहीं, ये HCl हाइड्रोक्लोराइड है, HCl, ठीक है, इट्स नॉट कार्बन, इट्स हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो अब पता चल गया भाई कि ऐसे दो तरीके के हैं, पता कैसे करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है। चलिए, तो हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया कि एसिड क्या सब्सटेंस है, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, एसिड कितने तरीके के होते हैं, और एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कैसे पता करना है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर एसिड, एसिड्स को प्रिपेयर कैसे करना है, उसके मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और थैंक यू।